संत राम सर, यार दाढ़ी हमारी बहुत बड़ी हो गई। हाँ। वो अभी तक रंपर पर नहीं आया, आज तो उसे दाढ़ी बनवा दी जाए। ठीक है चलो। दरोगा जी चोरी हो गई। दरोगा जय राम जी हवलदार। जय राम जय राम। का हाल चाल है यार? अभी हम कहूँ का याद करे रहे काहे बदे हमें दाढ़ी बना दे। वो तो हमारा पैसा है, हमारा धंधा है, हमारे बाल बच्चा उसी से पलते हैं। क्या हमें दाढ़ी बना? बैठिए बैठिए ना, सही बना ना। बनाएंगे ना रहेगा दाढ़ी, ना रहेगा बनवाने वाला। अरे आप समझे, आप बैठे ना, कील निकाल देंगे। खेल कील निकाल, जरा सरकारी टोपियाँ नीचे उतार दीजिए ना। सरकारी टोपी नीचे उतारिए, बुढ़ा के सठिया गई बात। अरे यार चुप्पा बैठा रहा, बदबू नहीं आ रही, सेंट पड़ा है, बकरी पेशाब किए थी। अरे कितना माटी लगा है, कहूँ लौट के आए हो का? सीधा बैठा तो देखिए दाढ़ी बड़ा मस्त बनाएंगे। पानी नहीं है भाई, पानी नहीं है, पानी लाइए ना थोड़ा से। अरे पानी नहीं भाई, सूखा रगड़ रहे हैं, ऐसा थाना में पाइप तक नहीं लगाए हैं। दाढ़ी बनवा थो कि चिल्ला थो? ऐसा दाढ़ी बनाएंगे एक ही दफा लपेट देंगे पूरा। मजा नहीं आ रहा, गीला नहीं आ रहा। ए हवलदार जी पानी लाइए, मजा नहीं आ रहा है, ऐसा थाना में कि पाइप तक नहीं था। काहे का नौकरी करते हो? सीधे काहे नहीं बैठते, फिसल जाता है। दाढ़ी बनवा तो मजाक कर। अरे यार। हाँ आराम बना दाढ़ी। अरे आराम बना। अबे मेरी मूछ। अरे मूछ नहीं सही है। खानदानी काम है। कारी भूल गया है साहेब। ऊपर कदम अरे बड़ा रखा ना। देखिए आईना तो लाए नहीं है, देखिए चकाचक हो गया। सीधा रखो ना। आपको दांत नहीं तो बुछुआ पकड़ में नहीं आती है। हो गया हो गया। हाँ पैसा वाला ही पैसा पैसा। अबे हम पुलिस वालों से पैसा मांग रहा है। गाड़ी तू बनवा, पैसा का तो बाप देगा। तुझे मालूम नहीं? तुझे मालूम नहीं? मालूम। पुलिस वाले हो जनता के लिए होते हैं। जनता पुलिस वाले लिए होती है। ये गाड़ी मुफ्त बनवाए हैं। एक बात ध्यान रख। एक दफे अंदर करूंगा ना बाहर निकालना भूल जाऊंगा। ये तो गुंडा ही कर रहा था थाना बुला के।
ध्यान रखना। हाँ ध्यान रख, अंदर करूंगा बाहर निकल जाऊंगा। ध्यान रखना, हवालात में सड़ जाएगा। अबे मैं तुझे सीधी तरह से समझा रहा हूँ, मेरी दाढ़ी बना नहीं, तूने अभी देखा नहीं है पुलिस वाले रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? ए चिक्का लौंडा, हाँ तोरा दाढ़ी हयो है, तोरा तोरा माई के दाढ़ी बना दिखा तो। हो चाहे ना हो, हाँ तू बना। देखा बना तो लबू बना, बनवा रे तू, पैसा तो देना नहीं ना। अबे क्या नाक काटेगा भैया? नाक के भीतरे बाल था निकाल रहे हैं। बलका साहब शिकायत करेंगे हम, बलका साहब शिकायत करेंगे, समझ लिए आप? जा जा, हम बता रहे हैं आपसे शिकायत करी है। हम कहो चले जा, क्या काम है? नाव के घरे पैदा होकर पैसे करा रहे हैं, पैसा भी फिर नहीं, भगवान तेरा भला नहीं करेगा, तू रिटायर हो से पहले मर जाबो। संतराम सर, रंपत नाई को बुलाना। अभी लाता हूँ। कौन है जुर्म किए गाज मार पकड़ के लेकर कैसी चले जाते? जोहार साहब, जोहार। जोहार, तुम्हें इतनी देर से बुलाया जा रहा है, कहाँ थे तुम? अरे साहब जानते हो, गरीब मनई हैं, प्रजात हैं, जजमान लोग पकड़ लेते हैं, कहूँ पंडित जी पकड़ लिए, कहूँ ठाकुर साहब पकड़ लिए, कहूँ मुल्ला जी पकड़ लिए, पकड़ दाढ़ी वाड़ी बनवा लेते, उसी में टाइम लग गया साहब। लेकिन हमें तुम्हें अर्जेंट बुलाया था, इसीलिए कि हमें राउंड पे जाना है। हाँ साहब माफ कर दीजिए, फिर ऐसी गलती ना हुई। चलो जल्दी आओ, हमारी दाढ़ी बनाओ। यही बनाए साहब, मस्त दाढ़ी बना दे। कौन सी दाढ़ी बनाई? कौन सी दाढ़ी बनाओगे? सलमान खान की बना दें कि शाहरुख खान की बनाएं? अब बताइए ना, कौन श्रीदेवी की बना दें? सलमान खान है, हम शाहरुख खान है, तो श्रीदेवी की बना दें। बकवास, तू जानता नहीं है अभी हमें? अरे साहब, साहब, अरे साहब हम तो जानते जानते परेशान है, कोई कहता डाल के भूल जाके निकालना, कोई कहता मार के, अरे मुआ देंगे, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। क्या कर रहे थे? पहले तुम बताओ दाढ़ी बात है बताना। अरे साहब, अरे तुम बताओ क्या बात है? दाढ़ी बात तो आपकी बनी हुई है साहब। क्या पूछ रहे? अरे साहब ये पुरनका हवलदार संतराम, हाँ ये दाढ़ी बनवाए, पैसा मांगे तो लाठी दिखाए, कहे सारे मार के मुआ दें, घुस डाल के निकालना भूल जाएंगे। संतराम जी साहब, तुमने इससे कहा? हाँ हमने कहा, लेकिन साहब ये तुमने दाढ़ी बनवाई, पैसे दिए? नहीं दिए साहब, हम लोग तो क्यों नहीं दिए? पैसा हो तो देगी हम, क्या तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती? अरे साहब हम समझ गए, ये पुलिस नौकरी करने से पहले मजार में बैठ के भीख मांगते थे। मजार में बैठ के भीख मांगते थे। संतराम अपनी नौकरी को सेफ रखो, 2 महीना बाकी है तुम्हारे रिटायरमेंट में। आप सेफ खाने कहते, सिर्फ चाय तक तो पीते नहीं है, सेफ खाएंगे। ठीक है मैं ऐसे ही जाता हूँ, तुम कुछ पूछने क्या कह रहे थे? हाँ साहब, ये लोग का हटाइए तब पूछे। तो? साहब हाँ, आप नाराज तो नहीं हो? नहीं 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 साहब, किसी आएंगे नहीं ना? अरे नहीं नहीं साहब, देखिए आप छोट मनाई बड़ा बात कैसे बोली साहब? अरे बात क्या बताऊँ, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं नहीं, ऋषि आएंगे तो नहीं? नहीं नहीं, नाराज तो नहीं होंगे? मैं नहीं नाराज होंगे। साहब आप तो पहले से गुस्सा हो रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं कि नाराज नहीं होंगे। साहब ये बतावा, हम सुना है कि सिपाही लोग रस्सी का सांप बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? आप लोग कारीगर हैं का? रब्बत तुम नहीं जानते? नहीं साहब। पुलिस रस्सी का सांप कैसे बना? हाँ साहब बना के दिखाई ना हमको। तुमसे किसने कहा? अरे सिपाही लोग आपस में पैसा मांगे तो बोले तो रस्सी का सांप बना। कौन से सिपाही ने कहा? वो जो छुटका वाला है। सही कह रहा था वो। हाँ साहब, तुम ऐसा करना, हाँ साहब तुम 1 हफ्ते बाद हमसे मिलना। हाँ साहब, तब हम तुम्हें बताएंगे
कि पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है। अब मजा आई रस्सी का सांप। हाँ दिखाने दो। हम तुम्हें दिखाएंगे। अब बीन कौन बजाए साहब? बीन हम बजाएंगे। अब बीन बजाए। हाँ अच्छा सपेरा है। हाँ हाँ हमको लगता है पहले सांप पकड़ते रहे। और तुम उसमें नाचोगे भी? रस्सी का सांप कैसे होता है? रंबत ये थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जय हिंद सर। जय हिंद। हवलदार जी याद रखो, पैसवा नहीं दिए हम। साहब क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कह रहे थे मुझ के बाद सफेद हो गया। ठीक है तुम जाओ। आपके मुंह लगा है साहब ये? हाँ तो लगा ये बात तो। भाई हम इनका हम पिलहार देते हैं भैया। वो तो तुम भी लगे हो जो दाढ़ी बनवा के पैसे नहीं देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? चलो राउंड पे चलना है। साहब वो जो बात कह गया था रस्सी के साथ उसका हम इधर आओ। हमने एक तरकीब सोची। क्या साहब? कि रस्सी का सांप कैसे बनाया जाता है और कैसे बनता है। बताइए। इधर आओ। तब उसे मालूम पड़ेगा कि पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है। अब मालूम पड़ेगा। चलो मेरे साथ राउंड पे। साहब ये बताओ। हाँ कहाँ पे ड्यूटी लगा दी साहब ने? तुम्हारी कहाँ लगाई? यही जंगल में। हमारी जंगल लगाई। अब ये बताओ यहाँ कोई फायदा ऐदा तो हो नहीं रहा है। हाँ तुम सही कह रहे हो। शहर में रहते हैं वहाँ खर्चा पानी निकला करता है। ये बात सही कह रहे हो। किसी की गाड़ी रोक ली। हाँ कोई किसी को जबरदस्ती रोक लिया। बिना लाइसेंस चला जा रहा। अब एक जेब में पैसा नहीं है, कमाई कहाँ से हो? क्या करें भाई, अब ड्यूटी ड्यूटी है साहब, तो करना ही पड़ेगा। आप हमसे सीनियर हैं। हाँ आप ही कोई उपाय निकालिए, इस जंगल में कम से कम कुछ फायदा तो हो। एक काम करो यार। हाँ बहुत थक गए। हाँ थक तो गए साहब। हैं जरा सा यार क्या सुरती खाएंगे? क्या मिजाज बनना चाहिए। बनाइए बनाइए। कौनो है ही नहीं। हाँ ठीक है। हाँ बनाइए। ना ही यहाँ कौनो देखी। हाँ कि हम लोग ड्यूटी पे हैं, अब हम लोग चले जाएंगे। अभी बात सही है, तक कौनो मिल जाएगा। ठीक ठीक टहलना चाहिए। ड्यूटी दे दे। ठीक चलते हैं। कौनो मिले जरूर। चलो अमरूद लगाए। अमरूद ना खाइए, ड्यूटी दीजिए। थोड़ा अमरूद खा दो। कमाई कमाई। हाँ चिड़िया को बैठी रंग दो। कमाई। हाँ क्या चिड़िया है आज? आज कमाई खूब हुई है। आज हमारी ठकुराइन मस्त हो जाएगी और मजे में हम गाना बजाना करते चले घर। हम नौटंकी देख के आए हैं और उसमें गाना हो रहा था। अरे हम कटिंग करे थाना में बाल बाल बना के आए और नौटंकी हो रही थी। नौटंकी देख के गाना हो रहा था मालूम कौन सा? अरे लाखों में एक सुरतिया, अरे लाखों में एक सुरतिया, बलम अभी मैं हूँ उठान पे। जोहार जोहार जोहार। ये बता कहाँ जा रहा है? अरे अपने घर जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? इस जंगल के रास्ते से। भाई देखो हमारे मेहरारू की याद बहुत आ रही, हम सोचे जल्दी से निकल जाए जंगल रास्ता, गांव पहुंच जाएंगे। भाई यहाँ चोरी और राजनी होती है। तो हमसे का मतलब पड़ा है? ये बता
ये तेरे बगल में क्या है? बगल में क्या है? हाँ, और सामने नहीं पूछो क्या है, बगल पूछ रहे। बगल में क्या है ये तेरे? तो का नहीं भर्ती क्या का? आप तो जानते हो। हाँ, जानते हैं। बता क्या है बगल में? बगल में क्या है? देखो तुम, देखो। अरे देखो क्या, बता रहे ना क्या है? देखोगे देखो, औजार है। तुमको क्या हुआ? औजार बर्दाश्त नहीं कर पाओगे जो उसे औजार है। चेक करें, क्या करो? अरे कहाँ देखा तो? अच्छी दफा देख चुके हो साहब। क्या है? आप हमसे सीनियर हैं। हाँ। आप चेक करिए। नहीं, तुम चेक करो, तुम चेक करो। ये नहीं बर्दाश्त कर रहा, बड़का हथियार है। हमें ये बहुत खतरनाक लग रहा है, आप चेक करिए। अच्छा आप कहते हो तो हम चेक कर ही लेते हैं। ए दिखाओ सर। देखिए साहब, ऐसा आप पीछे हटिए। बड़का बाबू आप आइए। ये तो आप तो गर्भवती महिला की तरह घूम रहे हैं। कई महीने का हो गया। इनका चेक कराओ जल्दी, हम ड्यूटी पे हैं। अरे ड्यूटी तो कहाँ चेक करबो? ये क्या दे रहे इसमें बगल में? असलाहा देखो, लो देखो असलाहा। और का? अरे औजार, औजार है के अंदर, औजार ले खुदा दे। देखो जरा। सांप, वो सांप कहाँ से आया? अबे ये क्या सुना? अरे बाप रे, अरे ये क्या कैची? आप समझ में आया? क्या समझ में आया? आ गया, क्या समझ में आया? आ गया समझ में, आ गया। काहे सूत रहे हो, काहे सूत रहे हो? समझ में आया, यहाँ चोरी और राजनीति कैसे होती है? वही करता। अरे 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 ठहरे ठहरे, मारना नहीं। आप जानते हैं हमारा बड़का बाबू से पहचान है, दरोगा जी से पहचान हमारा है। सूत रहे हो, सूत रहे हो। कैसे इस सूत से? सूत से तुम्हारी हाल हो गया है, रिटायर होने का नंबर आ गया। अब सूत दिन रहे हो। साले को ले चलो, बंद करो साले को, मारो इतना साले लड़के लड़के। साहब कहाँ ले चलो? इसको ले चल के इसकी तुड़ैया करें। मारो साले को। ये तो कौन सा मीटिंग बना रहे भैया? तुड़ैया साले को नंगा करके मारना। ये इसको अंदर ले जाकर डॉक्टर साहब नाम है। हाँ, नंगा करके मारेंगे साले को। इसको मुर्दा बना के मारे, ये सब कबूलेगा कि राजनीति चोरी कैसे हो रही है। ए, सुनो, जब नंगा न मारे साले को बोरा उड़ा के मारेंगे। अरे साहब उम्मा तो बुकरी बुकरा मोते हैं। अच्छा है, जितनी पढ़ाई रहेगी उतनी फंस गए यार। हमारी भी सुनोगे? ये तो बोलने नहीं दे रहे लोग। हम किए कहा है? तुमने वो किया है? हाँ। जो कुछ नहीं किया तुम, सारे चोरी नहीं करते तुम। ये औजार निकला तुम्हारे? ये औजार दिन में तुम दाढ़ी बनाते हो? अरे इससे दाढ़ी बनाते क्या औजार? रात में तुम चोरी नहीं करते हो? अरे काम उसी बात है भाई। उसी बात अंदर टक देख देख चल मैं चल। अच्छा क्या कर रहे हो? अरे 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 पकड़ के लाए साहेब। ये साहब के बहुत मुंह लगा है, आज इसकी तबीयत से तुड़ाई की जाए। कहा कर भैया तुम लोग? सर बहुत कहा जरा ना कि पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। अब भाई हम तुमको हमारा पूरा औजार ले लिए, एक सौ हजार बाकी वो भी ले लीजिए, एक सौ हजार बाकी है। नहीं क्या कर रहे भैया? अब भाई हम तुमको बताते हैं। कपड़ा कहा उतार रहे भाई? कपड़ा कहा उतार रहे? पूरी का रस्सी साहब कैसे बनाते हैं? कपड़ा डंडे में तेल लगा ला है क्या? तेल ना लगा भैया, तेल ना लगा, तेल लगा। ये क्या कर रहे भैया तुम लोग? अरे ये जगह देखे मारो, जगह देखे मारो, ये जगह देखे मारो। जगह देखे मारो भैया। उसमें तो बकरी बकरा मूतते हैं। अरे बदबू आगे अच्छा लगे। पिलाड़ दे तुम, बंद कर चलो, अंदर अंदर दे, अंदर बंद कर, बंद कर। खाने
साहब इतना मारा है कि अब न बोलने के लायक बचा है न चलने के लायक बचा है और हगने के लायक भी नहीं बचा। अब क्या करे? साहब बहुत बड़ा मुलजिम हाथ लगा है। अरे साहब आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। कौन सा मुलजिम? आप समझ में आया साहब कि चोरी और राजनीति कैसे होती है? अरे वही करता है। कौन करता है? मार मार के हमने अंदर बंद कर दिया। बहुत भारी मुलजिम है क्या? बहुत बड़ा मुलजिम हाथ लगा। अरे तो लाओ कहाँ है? हाँ तुम्हारी तरक्की होगी, तुम्हारी भी तरक्की होगी। लेके आओ उसको। अभी हम लेके आ गए। अबे रंपत तुम? अरे साहब काहे का रंपत, अब तो सब संपदा लुट गई, इज्जतों नहीं बची। कहाँ कहाँ मारे है रे ददई, कैसे तो का दिखाई माई बाप। संतराम अरे साहब ये जंगल रास्ते में जा रहा था तो इसने हमें पेटी खोल के दिखाई तो इसमें कैंची और छुरा निकला तो हम भी समझ गए कि चोरी राजनी कैसे होती है। अरे जगह बेजगह मारे हैं। दिन में दाढ़ी बनाता है और रात में चोरी राजनी करता है। ठीक किया। अरे साहब ठीक किया, जगह बेजगह मारे हैं, हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। अब तुम कानून की जद में आ गए रंपत। अरे कानून की जद में तो आ गए, ये लोग जो किया उसको कोनो जद नहीं ना कहा। साहब मार मार के हवाई जहाज बना दिया है। ठीक किया तुमने, अब तुम कानून से बच नहीं सकते। अरे साहब हम आपकी दाढ़ी बनाते हैं, सेवा करते हैं साहब, हम ऐसा कौन सा जुर्म किए हैं साहब जो हमका मार मार के हवाई जहाज बनाए हैं? तुम हमारी दाढ़ी बनाते हो, हम तुम्हें पैसा देते हैं। हाँ साहब। फिर साहब बाल बच्चेदार मनाई है। तुम बचोगे नहीं? अरे साहब बाल बच्चेदार आती है, हमारे मेहरारू का क्या होई साहब? हमारी मेहरारू क्या होगा, अभी हम क्या जाने? अरे साहब कुछ रास्ता निकालो साहब। बक्से में कोई औजार निकला है? अरे साहब वो दाढ़ी बनाने का औजार था साहब। अच्छा? हाँ साहब। वो दाढ़ी बनाने का औजार है और कभी मौका लगे तो हाथ काट दे तो गला काट दो। नहीं साहब। अरे साहब क्या कर रहे हैं आप? हम सही कर रहे हैं, अब तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं है। साहब कोई रास्ता निकालिए ना साहब। साहब इसका नाम जीडीएम चढ़ा दिया है, कोई सवारी मिले तो इसको जेल भेजें। सवारी पकड़ लो कोई भी और इसको जिला कारागार भेज दो। कौन कौन से तैयारी कर दिए भैया, जेलो भेज रहे, उद्घाटन कर दिए, कहाँ करेंगे हो आप लोग? साहब आप जेल न भेजिए, यहाँ तो दुइये सिपाही थे, वहाँ तो 50-60 मुलजिम होंगे, मार उद्घाटन कर देंगे। हम नहीं जानते, हमारे जो काम है वही करेंगे। ठीक है साहब, तुम्हारे बचने का एक ही चांस है बस। कौन साहब? अगर तुम 10,000 रुपए का इंतजाम कर लो तो तुम बच सकते हो। अरे साहब हम गरीब मनई नाऊ जात के हैं, दाढ़ी बना के चवनी ठनी मिलती है, उसी दाल चावल ला के बाल बच्चों को पाल रहे हैं, हम 10,000 रुपया कहाँ से लाएंगे साहब? तो फिर तुम नहीं बचोगे, तुम्हारी चार्जशीट भर दिए तो भी जिला कारागार जाओ। अरे साहब जेल न भेजो साहब। भाई इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? साहब आप सब कुछ कर सकते हैं साहब। नहीं नहीं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम कानून के जद में आ गए। साहब 10,000 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, रंपत तुम्हें लाने ही पड़ेंगे 10,000 रुपये। साहब एक काम करो, हाँ। अपने जिम्मेदारी पे हमको 2 घंटा के लिए छोड़ दीजिए साहब, तुम कहूँ से व्यवस्था करी जाके। हाँ ये बात तुमने कही है तो ठीक है, अगर तुम 2 घंटे में वापस आ जाओ तो मैं अपनी जिम्मेदारी पर तुमको छोड़ सकता हूँ। ठीक है साहब, ठीक है साहब, लेकिन 2 घंटे में आ जाना। हाँ साहब आ जाएंगे, कहाँ फंस गए मुसीबत में, ले जाओ कि दाढ़ी के पैसा ना मांगते ना मुसीबत आती है। अरे मुझे धोखा था हूँ। जा रहे साहब, साहब जा रहे साहब, समझ गए ना? हाँ समझ गए साहब। जा रहे साहब, जाओ आप समझाओ कुछ साहब, जाओ। ए छोटू इधर आ, ये बता तो और बाप कहाँ गा? बाहर गा? कितनी देर से ढूंढ रहे, परेशान हो रहे, दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ चले गए? माँ तो नसीब है। अरे मोरी माई, अरे
बड़ा बुरा हाल है। का होएगा? सफेद जगह करिया हो गई। कौन कर दे? अरे थोड़ा पानी गरम कर। काहे के लिए? शिकायत कर दे। अरे तो का होएगा वो? मैं का होएगा? अरे दो तीन ठो लोग मिलके बत्ती बंद करके अंधेरे में जगह पे जगह मारी नैया को मारी से काहे? बहुत दुख भरी बात है। पानी गरम कर थोड़ा। इधर आओ, हमार तो मौसम बना रहा है, तुम जाने कहाँ रहे? तोरा मौसम बना, हमारा तापमान ठंडा हो गया। कुछ नहीं। अरे का होगा? अरे मत पूछ, ट्रांसफार्मर गायब हो गया। आप कहाँ बताई दूंगा? छोटू के पापा। छोटू की अम्मा। अम्मा छोटू की अम्मा। तुमरे तो दर्द ही रहा, मार चपके जा रहे हो। दर्द की दवाई तो हल्की हल्की मिल रही है। हाँ? मिल रही है। अच्छा मिल रही है। आराम पहुंच रहा है। कुछ और करना। लाखों में एक सूरतिया। दर्द ठीक होएगा? कुछ आराम मिला, कुछ आराम मिला। ये बताओ, सारा दिन गायब रहे, सारी रात गायब रहे, रहे कहाँ? रात भर हमरे साथ जोड़ा तो का कितना परेशान हुई। तू अच्छा हुआ ढूंढते ढूंढते घरे में रही। अगर बाहर जाती तो जो हमारी दशा हुई है वही तुम्हारी हो जाती। ददई रे, काहे का बात? एक काम कर, बोरा ला काहे के लिए? बोरा ला जल्दी से। अरे बात का है? बोरा ला तू, बात का कुछ। बोरा ला भगवान, कौन मुसीबत फंस गए? ला बर्तन ला, सब बर्तन ला। का है बर्तन का? बर्तन ला तू, ससुरी पूछ मत। बर्तन ला जल्दी ला, जल्दी ला। आए बड़े बुरे फंसे भैया, जल्दी ला। यो बताओ दादा, ये बर्तन कहाँ लेके? अरे तू रख बात रख। अरे तो हम खाना कहाँ बने पे? खाना कहीं चूल्हा में। हमार छोटू परेशान बहुत होता है। छोटू का अपन पिया दे। हाँ पिया दे, दूध पिया दे। दूध तो नहीं है? हाँ दूध है तो माठा पिया दे। चल जल्दी कर, जल्दी कर। भाग भाग। वो बहुला। अरे कहाँ जात हो? अब तू घर में रहो, हम अभी आ रहे हैं। हम बहुत मुसीबत में। बर्तन लेके कहाँ जा रहे हैं? अरे तू चुप रह, सवाल ना कर, चुपचाप देख। हमार छोटू भाई भूखा हो तो का खवाई दे? तू छोटूआ का कुछ खवा के समझा दे। हैं, नमक मिला के पानी पिया दे। हम जा रहे हैं। अच्छा भैया, का ध्यान रखिए आप लोग, हम बड़े मुसीबत में। भैया कैलाश भाई आप ध्यान रखिएगा। जा रहे भैया। कहाँ जा रहे तोर पप्पा? हाँ? ये कहाँ जा रहा भैया? छोटू बप्पा कहाँ गा? ये चल। अरे भाइयों, कागज ही काले करते रहोगे या मेरी तिजोरी भरने की भी सोचोगे? सेठ जी, वो तिजोरी तो मैंने पहले से भर रखी है। चल बता, चोरी का जो माल आया था ठिकाने लगा दिया है? नहीं। अरे सेठ जी धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, वो पहले ही अंदर कर दिया मैंने। वह सेठ फकीर चंद ऐसे नहीं बन गए हम, बड़े बड़ों को फकीर बना के फकीर चंद बने हैं। वो फकीर चंद बनाने में मेरा भी तो हाथ है। हाँ तभी वो वाला कौन सा वाला फकीर है? क्यों मर जाएगा भाई? अरे लाला मैं मर गयो। अच्छा रंपत जी, हाँ बोलो क्या हुआ? मैं बड़ी मुसीबत में आ गयो लाला, लाला मर गयो। अरे फिर लाला मर गयो? लाला बहुत मुसीबत में आ गयो, मुनीम जी मर गयो। अरे रंपत किसे कह रहा मर गयो? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मर गयो, मैं बड़ी मुसीबत में आ गयो। क्या हुआ रंपत जी? मुझे उबार लो। है? मुझे उबार लो, मेरा उधार कर दो। अरे उधार कर दे? कैसे उधार कर दे भाई? क्या मसला, क्या बताओ, सीधे से बताओ। लाला जी मुझे कुछ रुपए की जरूरत है। रुपए? हाँ रुपए की जरूरत है लाला जी? आप तो अन्नदाता है, विधाता है, भगवान है, गरीबों के मसीहा है। अरे भाइयों सुन रहे हो, रुपए की जरूरत है भाई? फ्री में कोई ना रुपए मिले भाई? सरकार कुछ रखने को है? रखने को कौन सा सामान रखूं? अरे कुछ तो होगा। तीन सामान है, दो तो थाने में लगे, एक मेरे पास बचा है, वो रख दूं। लाओ लाओ। क्या लाओ दिखाओ? ये कुछ बर्तन है हमारे।
बर्तन? हाँ। कितने पैसे मिलेंगे बर्तन के? अरे सरकार, सब तांबे पीतल के हैं सरकार, बड़े भारी भारी हैं सरकार। कोई राजा महाराजा क्या थोड़ी आए हैं, तुम्हारी घरवाले की दहेज में तो आए हैं। अरे सरकार, आप अन्नदाता हैं। मर गए सेठ जी, मर गए। फिर वही मर गए, पैसे चाहिए मार रहे हो हमको। नहीं सरदार, मैं मर गए। मुनीम जी मर गए। चुप हो जाओ, मर गए बोले जा रहा सेठ जी, इसे कतई पैसे मत देना। क्या कर रहा है, बहुत खच्चड़ आदमी। क्या कर रहे हो मुनीम जी? अरे मुनीम जी, मत देना सेठ जी। मुनीम जी मर गए हो। मर गए हो जी, पूरी बात बताओ, हुआ क्या है? सेठ जी मर गए हो। अरे फिर वही मर गए हो। सेठ जी, मैं बड़ी मुसीबत में आ गया हूँ, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000 रुपए? 10,000 की। अरे मुनीम जी भाई, 10,000 रुपए की जरूरत है ना? सेठ जी, इस नाई को पैसे वैसे मत देना, ये बहुत कंजर आदमी है ये। मुनीम जी मर गए। अरे तू, मैं क्यों मरूं? मैं ही तो मर गए हो। अरे मर गया बता। इस बर्तन से काम ले, मेरे मकान रख लो। मकान से क्या होगा सरकार, क्या करूं, मेरी लुगाई रख लो। सेठ जी मर गए हो, ये दोनों मिलके मर गए। मुनीम जी मर गए। सेठ फकीर चंद ऐसे नहीं बन गए हम। वो तो फकीर को क्या फकीर बनाने हैं, और इससे फकीर क्या बनेंगे। अरे नहीं, ढंग में बोल, ढंग में पैसे नहीं मिलेंगे। मैं तो सरकार की तारीफ कर रहा हूँ, सेठ फकीर चंद ऐसे नाम थोड़ी है। हम जैसे फकीरों को फकीर बना दिया। फकीर बनाने मेरा भी हाथ पूरा है, उससे बड़ा फकीर ये बैठा है। सरकार मर गए हो। अरे ठहरो, एक काम करो, रंपत जी से अंगूठा लगवा लो। अच्छा, 10,000 रुपए लिख के दे दो। अच्छा अच्छा मुनीम जी, अंगूठा करवा लो। अंगूठा करवा लो, अंगूठा करवा लो। आओ आओ, करता हूँ तुम्हारा अंगूठा। 10,000 रुपए चाहिए कि नहीं? अंगूठा करने को। अभी अंगूठा करवा दो, पता नहीं कहाँ कहाँ से सेठ जी आ जाते हैं लोग, और तुम पैसे बांटने लग जाते हो। अरे अपना यार। मुनीम जी मर गए हो। मुनीम जी अंगूठा करवा लो, ये दोनों को मार देगा, जल्दी पैसे देकर भराओ उसको। अंगूठा करवा लो सेठ जी। मुनीम जी से कहो अंगूठा करवा ले। मुनीम जी, रंपत जी क्या कह रहे हैं? अंगूठा करवा ले। ये कह रहे हैं अंगूठा करवा लो। अंगूठा करवा ले तो मेरा कुछ भला हो जाएगा सेठ जी। ले अंगूठा कर दिया, अंगूठा कर दिया, पूरा हाथ कर दिया, रुपए पूरे ना। मुनीम जी अंगूठा लगवा, अंगूठा करवा लो। अंगूठा करवा, रखा है लाओ जी। कौन सा करूं, दाहिना करूं बायां करूं? करना नहीं, लगाने। एक एक तो हो गए हो, एक और लगा। बस तीन चाहिए, एक से जीना भरो। लो मजा आयो। अरे एक और लगाओ, एक और लगाओ। मजा की आवाज है, अंदर लगवा रहा हूं। अच्छा हां, कराओ कराओ। तीसरा। वाह, अब हो गया तेरा काम, सारा कुछ ले लिया हमने। मुनीम जी बड़ी हिम्मत आपकी है। रंपत, तीन मरतबा अंगूठा करवाया। रंपत, हां सरकार, पूछोगे नहीं अंगूठा काहे काहे के लिए है? अंगूठा किस किस के लिए है? देखो, एक अंगूठा तुम्हारे बर्तन का। अच्छा। दूसरा अंगूठा तुम्हारी जायदाद का। अच्छा। और तीसरा तुम्हारी पत्नी का। पत्नी का पता मत करो। मैं तो पहले फकीर था, ये दोनों बड़े मोटे मोटे हैं, या मेरे छोटू की अम्मा, तेरा क्या होगा। जय गोपाल की। जय गोपाल की। मुनीम जी अंगूठा करवा लो। अंगूठा करवाते नहीं, लगवाते। सेठ जी मर गए। मर गया। अरे मुनीम जी, ये माल तो छुपा, जल्दी किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सेठ जी, सही कह रहे हो आप, जल्दी कर। रुको रुको रुको, अभी छुपा रहा हूँ अभी। ये ले, लग छुपाते नहीं, छुपाते। अरे वहां नहीं, अरे वहां नहीं, यहाँ छुपा, यहाँ तख्त के नीचे। बस अब यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। बस बस, अरे ही रख दे नीचे साइड में। बस बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा। आप ठीक है? चलो बताओ, ब्याज ब्याज का कैसा कैसा हिसाब किताब है? अरे दरोगा जी, राम राम। राम राम के बच्चे, अबे सब मालूम हो चुका है कि तुम ब्याज पर रुपया देते हो। अरे सरकार, हम तो उसकी सेवा करते हैं, और वो भी बिना लाइसेंस के। सर इसमें लाइसेंस कैसा, ये तो सेवा को लाइसेंस तो कैसा। जितना चाहो उतना ब्याज ले लो। नहीं नहीं सरकार। तुमने रंपत के बर्तन रखे थे? अरे दरोगा जी, रंपत तो ऐसे ही बर्तन रख गया यहाँ पर। 10,000 रुपए में बर्तन रखे और माल 2,00,000 रुपए का। पता चल। नहीं 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 दरोगा जी, वो नया बर्तन फेंक गया, हमने रखे थोड़े ना थे। हमें सब कुछ मालूम पड़ गया है, हमें सब कुछ मालूम पड़ गया है।
गिरफ्तार करो उन दोनों को। उसका घर भी दिखा दिया। बिल्कुल करे माल तलाश करो। माल ढूंढो। दरोगा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ भी नहीं लिया उसका, ना घर ना बर्तन कुछ भी नहीं। मुलीम हमें सब मालूम है। देखो दरोगा जी ये बर्तन अपने आप दे गया, वो अपने आप दे गया। हाँ चलो हमारा हथौड़ा लगा लकड़ी हथौड़ा लगा। अरे दरोगा जी क्या कर रहे हो ये? अभी दरोगा जी ये क्या कर रहे हो? चलो सेठ जी लो कर लो, क्या कर रहे हो? गाली गाली चलो जी में डालो दोनों को। क्या किया तुमने सेठ जी? अब चलो जेल के आ रहा। माल भी जीप में डालो। चलो राम सिंह जी साहब अभी तक रामपत नहीं आया। हाँ साहब आपने 2 घंटे लिए भेजा था छुट्टी में। 2 घंटे से ज्यादा हो गए। आते ही होगा साहब। हैं? आते ही होगा। हो सकता है। आ गया साहब, देखिए आ गया। सरकार तो भाई है, प्रणाम सरकार। मैंने तुमसे 2 घंटे के लिए कहा था। सरकार इतनी लंबी रकम की व्यवस्था करने में टाइम लगता है हुजूर। ले आया हूं, रुपया ले आया हूं। पैसे का इंतजाम हो गया? हाँ ले आया सरकार। ये लो सरकार। सरकार अब तो जाने दो हमें। पैसे का इंतजाम तो हो गया जी सरकार, लेकिन एक बात हम तुमसे पूछेंगे। ये बताओ रामपत, तुम 10,000 रुपया लाए कहाँ से? सरकार ये मत पूछो, बड़ी तुम बड़ी कहानी सरकार। अपने घर के सारे बर्तन मकान बीवी सब कुछ गिरो रख गया सरकार। मकान और बीवी रख ली उसे, उस मारवाड़ी ने बीवी रख ली मेरी। कौन सा मारवाड़ी है? अरे वो लाला फकीर चंद कृष्ण। हाँ साहब बहुत मोटो सेठ है, बहुत मोटो। देता है वो बहुत मोटो सेठ है सरकार। 3 अंगूठे करवाए उसने, वाकई मनुवी ने 3 अंगूठे करवाए। पर तुम्हारे बर्तन करीब कितने रुपए के होंगे? ससुराल का माल था सरकार, अब गरीब आदमी का कुछ गिनती थोड़ी रखते। क्या लोहे के थे कि तांबे के थे? सब तांबे पीतल के और क्या नाम उसको कसकुट के, सब फूल के बर्तन थे। और 10,000 रुपया दिया है? हाँ सरकार, अब मुसीबत से जान बचाने क्या करे सरकार, कुछ तो करने पड़ा। संतराम राम सिंह फौरन मेरे साथ चलो, उन दोनों को गिरफ्तार करके लाना है। चलो जल्दी अंगूठा करवा ले। रामपत चुप हो जा, ये थाना है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जी सरकार। मर गए सेठ। ए खामोश, तुम दोनों के पेट बहुत ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, बहुत हराम की कमाई खाई है तुम। अरे नहीं सरकार, गलत फहमी हो गई सरकार। गलत फहमी नहीं हो गई है, हमें सही रिपोर्ट मिली है सरकार, किसी ने गलत गलत बोल दिया। क्या असर होगा ये तुम खुद जानते हो। राम सिंह दोनों को बंद कर दो। सेठ मर गया। अरे कब तक काय को कह रहा, मर गया तो वैसे ही मर गया। मुनीम जी अंगूठा करवा ले। चुप हो जाओ साहब, पूरा गांव तबाह हो गया है। बंद करो फोन। चलो अंदर चलो चलो हेलो हेलो सरकार, मुझे क्या कह रहे सरकार, जाने दो सरकार। नहीं अभी नहीं जाने देंगे तुम, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। बताइए सरकार। राम सिंह साहब, संतराम जाओ। अब कुछ और बाकी रह गया होगा? हाँ एक बात तुमको बताना रह गई। याद है तुमने उस दिन हमसे क्या पूछा था? हम तो सब भूल गए, इतने पिट गए, बीवी गई, बच्चे गए, सब तो गए हो, सब भूल गए हो। तुमने हमसे कहा था कि सरकार ये बताइए कि पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है। हाँ सरकार ये गलती तो की हमने, हैं पूछा था। और हमने क्या कहा था? एक हफ्ते बाद दिखाएंगे। एक हफ्ते के बाद हम तुम्हें दिखाएंगे।
ये लो तुम अपने रुपए और वहाँ तुम्हारे बर्तन है, लेकिन सुनो अब किसी पुलिस वाले से ये मत पूछना कि पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है। सरकार, उन दोनों को बुला लो। किन दोनों को? नहीं, उनको अंदर ही रहने दो। आज से तुम्हें ये मालूम हो गया कि पुलिस रस्सी का सांप कैसे बनाती है।